कुलगाम के एक गवर्नमेंट स्कूल में जिस तरह से एक वीडियो सामने आया कि वहां के जो बच्चे हैं वो हाथ जोड़कर भजन करते हुए नजर आए। अब इस पर बहुत सारे रिएक्शन सामने आए, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये सही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वहीं पर हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया कि अगर मैं अक्सर भजन गाता हूं और भजन गाता हूं तो क्या वो मुझे हिंदू बना देता है, अगर कोई हिंदू अजमेर शरीफ जाता है तो क्या वो मुस्लिम बन जाता है, अगर कोई मुस्लिम माता वैष्णो देवी जाता है तो क्या वो मुस्लिम बन जाता है। और इसी पे अब पीडीपी ने पलटवार किया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर, और पीडीपी के एक लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने एक बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भजन गाते हैं, अपनी मर्जी से गाते हैं, वो उनकी लाइफ है, वो करें, पर करने में और करवाने में फर्क है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है जो इस पे वो अपनी टिप्पणी दे। और तीसरी बात जो उन्होंने अपने बयान में कही है वो ये है कि हाथ जोड़कर भजन करना हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वहीं पर पहले पीडीपी जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बयान दिया कि एजेंडा चलाया जा रहा है, बच्चों से जबरदस्ती भजन गवाए जा रहे हैं। उसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया और कहा कि अगर मैं भजन गाता हूं वो मुझे हिंदू नहीं बना देते। अब इस पे फिर से पीडीपी ने पलटवार किया है और कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है और हाथ जोड़ना धर्म के खिलाफ है जो कि बच्चों को जबरदस्ती करवाया जा रहा है। वहीं पर अब एक और बात यहां पर है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, पर एक और बात यहां पर समझने वाली है कि पीएजीडी एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों के मुद्दे एक साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर उसी एक प्लेटफॉर्म में उनके सुर नहीं मिल रहे हैं। मैं भजन गाता हूं, दूसरे के बयान पे पलटवार कर रहे हैं, होता है कि वो अपने जाति तौर पर अपनी खुशी से भजन गाता है। पीडीपी प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बड़ा लीडर है, जवाब दिया है वो आप देखिए। सर, कल जो एनसीसी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आया है जो कि भजन स्कूल में हुआ था, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? कल जो फारूक साहब ने कहा था कि मैं भजन गाता हूं, एक तो होता है कि वो अपने जाति तौर पर अपनी खुशी से भजन गाता है, मैं फारूक साहब का जाति तौर पर एहतराम करता हूं, वो एक सियासी बड़ा लीडर है, लेकिन मजहबी स्कॉलर वो नहीं है। हमारे स्कूलों में जो आज भजन और भजन गाने के साथ साथ एक एक्शन किया जाता है, बच्चों को मजबूरन बच्चों को वो एक्शन कराता है, तो वो हमारे मजहब हमारे दीनी मामलात पर अटैक हो रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है, सरासर गलत है। ये जोर और ताकत के बलबोते पर बच्चों को ये भजन गवाते हैं। अगर हम कल हिंदू के किसी स्कूल में जाएंगे, वहां हम बच्चों को कहेंगे कि आप कुरान शरीफ पढ़ो, आप दुरूद शरीफ पढ़ो, जोर जबरदस्ती से उनसे कहेंगे, तो वो बिल्कुल नाइंसाफी है, सरासर गलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कायल करना है, अगर किसी को अपने साथ चलाना है, तो प्यार और विश्वास दोस्ताना माहौल में उसको अपने साथ मिला दो। सर, क्या आपको लगता है कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो ड्यूअल फेसेड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एक बात करता है, दिल्ली जाता है, वहाँ मंदिर भी जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कि इस्लाम में पूरी तरह से मना है? देखिए, फारूक साहब ने जो कहा है वो उसका जाति मामला है, तो फारूक साहब का जो जाति मामला है उसका जवाब फारूक साहब ही देंगे, लेकिन जो मैडम ने इस पर बात की वो बिल्कुल सही है, जो जोर जबरदस्ती से बच्चों को, और इसमें एक एक्शन स्कूल में हो रहा है, क्लासरूम में आप जाए, क्लासरूम में लोगों बच्चों को आप देखो किस तरह एक्शन करवाते हैं, जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, जिसके हम बाकायदा तौर पर मजम्मत करते हैं। और ऑलरेडी हम जब असेंबली में जाते थे, हम प्रेयर्स पढ़ते थे, लपे आती है दुआपन के तमन्ना मेरी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज जोर जबरदस्ती से चलेंगे, जोर जबरदस्ती किसी चीज का हल नहीं है, ये हमारे मजहब का मामला है, हमारे दीनी मामलों पर जबरदस्ती से
ताकत के बलबोते पे ये जोर जबरदस्ती से हमारे बच्चों को ये चीजें करवाता है, तो इसकी हम मजम्मत करते हैं।